नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज और मैं हूं नवनीत मिश्रा। और अभी हम पहुंच चुके हैं बनियापुर प्रखंड के पैगम्बरपुर पंचायत में और हमारे साथ हैं यहां के मुखिया श्री सुनील सिंह जी। सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो समस्या है वो बेहद ही पूरे भारत में जगड़ चुका है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? छठ पूजा के जितने व्रत वाले हैं मास्क का प्रयोग करें और छठ पूजा करें, उसके लिए हार्दिक शुभकामना है। और जो भी छठ पूजा हो रहा है भरसक अपने घर ही करें तो सुंदर रहेगा, लेकिन बाहर भी करते हैं तो मास्क का उपयोग करें। पूरे पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों के लिए, छठ व्रतिया जो हैं उन लोगों के लिए आपके तरफ से जो सामान वितरण हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज बदलता बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ताकि आज इस बनियापुर प्रखंड में इस पैगम्बरपुर पंचायत के मुखिया जी को आपने इतना समझा कि इन्होंने कुछ किया है या कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं कोरोना का जो कहर है ये पूरे देश में और इस पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले कोरोना था लेकिन इतने ज़्यादा मतलब कैजुअल्टी नहीं होता, लेकिन इस बार कैजुअल्टी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और कैजुअल्टी का कारण भी है, ताकि हम लोग थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं जी। तो हम लोगों को लापरवाही न बरतते हुए और काफ़ी सजग रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है लोक आस्था का महान पर्व है छठ पूजा, इसमें हम मना भी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप छठ कीजिए और धूमधाम से कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें और संभवतः अगर संभव हो सके तो घर पे ही छठ पूजा मनाएं, काफ़ी उत्साह से मनाएं। जो सामग्री जो बांटा जा रहा है उसमें क्या क्या है? ठीक है, हमारे तरफ से तो एक छोटा सा भेंट है पूजा में, हम उतना बड़े तो है नहीं बट श्रद्धा ज़रूर है, अब अपने श्रद्धा के हिसाब से जो भी है वो सब लोगों के लिए हर पूजा में हम कुछ ना कुछ लेके शामिल होते हैं और इस बार भी शामिल होने का मुझे मौका मिला और हम लोग दोबारा लोगों के बीच जा रहे हैं। चैती छठ का आज खरना है और कल यानी 18 तारीख को पहला अर्घ होगा, और इसी के साथ हमारे साथ है पैगम्बरपुर पंचायत के मुखिया पुत्र। इनसे पहले हम परिचय ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा प्रकाश कुमार सिंह और रूपक कुमार सिंह। तो ये बताइए कि जिस तरीके से आपके और आपके पिताजी के द्वारा यानी मुखिया जी के द्वारा लोगों के लिए जो सामान वितरण हो रहा है ये किस तरीके से तैयारियाँ किया गया था? देखिए, इसमें तैयारियाँ कुछ नहीं किया जाता है, मन में श्रद्धा था, हर छठ पूजा में शामिल रहते हैं, हमेशा रहेंगे। कोरोना वायरस है तो इसके साथ साथ कैसे क्या मतलब बताया जा रहा है कि कैसे मतलब जो खाके वहाँ जाना है या घर पे ही रहकर पूजा वगैरह करना है? देखिए, अगले बार जो कोरोना था लॉकडाउन लगा था उसमें थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार कोरोना का बिहार देखिए तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो मैं सब लोगों से निवेदन भी करूँगा कि पर्व हो सके तो संभव से संभव हो घर पे ही करें और उत्साह से करें। जो पंचायत के लोग हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब शुभकामना? चैती छठ का बहुत बहुत शुभकामना देंगे, त्यौहार है बहुत, हम लोग इसको बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं, इसको आगे भी इसको मानते रहेंगे, इसको अच्छे से करो, हमसे जितना मदद होगा उतना हम करें। हमारे साथ है गांव के जो जनता है इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम आपका? हरिंदर मां। तो मुखिया जी की तरफ से क्या क्या वितरण हो रहा है छठ के लेकर? छठ के लिए कपड़ा और साड़ी दे रहा है। इस बारे हो रहा है कि हर समय मुखिया जी के द्वारा ये सब वितरण होता है? एक बार और पहले हुआ था छठ हो जाए, दूसरा बार है। अभी मुखिया जी के तरफ से जो वितरण हो रहा बा छठ के लेके, तो कितना खुशी हो रहा बंदा? बहुत खुशी मुखिया जी, हर साल जीती हर साल असही खुशी दी असही बाटी, जो गरीब दुखिया के खुशी के मारे छठ पर्व के दे तनी गमछी फल वोल साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा मदद कर तनी अच्छा लगता। तो मुखिया जी हर छठ के ऐसा ही सब कोई के वितरण करें फल भल साड़ी भल जो भी सामान भल? नहीं,
ना बीच बीच में और कुछ बात रहला त करेनी यानी कि हर्ष मैम मुखर्जी आप जज मतलब ये पंचायत के जो लोग बा वो लोग के साथ खड़ा उतरे ठीक हमारे साथ है गांव के ही इस पंचायत के लोग हैं जनता हैं क्या नाम है आपका सिकंदर कुमार ये बताइए कि यहाँ अभी फिलहाल चैती छठ है इसको लेकर जो सामान वितरण हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चैती छठ वगैरह हो या दीपावली हो या कोई भी पर्व हो हमारे सहयोगी जो सुनील कुमार सिंह मुखिया है वो हर घर आते हैं सबको दुख सुख में सहमति करते हैं या किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो सामना करते हैं खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें लाइक और सब्सक्राइब करना ना